The Blind Saint. This is the story which we are going to read in this video number 342. एंड इस स्टोरी में जो वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो मैंने लिख लिए हैं, तो आप ये सारे वर्ड्स भी अभी याद करेंगे, इस स्टोरी में यूज़ होंगे। तो स्ट्रक्चर्स मैं आपको सारे करा चुका हूँ अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो बहुत कुछ आएगा मेरे कोर्स में अभी और भी, तो अभी हम इसको रीड करते हैं। तो देखिए कैसे आपको रीड करना है इन स्टोरीज़ को। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देयर वॉज अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की थी। वंस, एक बार। वंस को आप चाहें तो शुरू में भी लगा सकते हैं, एक बार एक जवान लड़की थी। तो वंस देयर वॉज अ यंग गर्ल, और देयर वॉज वंस अ यंग गर्ल नेम्ड गंगा, जिसका नाम गंगा था। जब भी आपको किसी का नाम मेंशन करना है तो आप नेम्ड लिखकर उसका नाम लिख देंगे। अब हम इस गंगा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। गंगा कौन, कौन गंगा थी। Who had not uttered, जिसने who had not uttered a word, जिसने एक शब्द भी नहीं बोला था। Since her parents were killed, जब से उसके माता पिता की हत्या हुई थी। In front of her, उसके सामने। तो क्या मतलब हुआ, एक जवान लड़की थी एक बार जिसका नाम गंगा था, जिसने एक भी शब्द नहीं बोला था जब से उसके माता पिता की हत्या हुई थी उसके सामने। इसके बाद अ ब्लाइंड सेंट, एक अंधा संत, ठीक है, संत को सेंट बोलते हैं। एक अंधा सेंट, ब्लाइंड मतलब अंधा, तो एक अंधा संत इन अकबर्स किंगडम, अकबर के राज्य में। वॉज रिनाउंड, वो प्रसिद्ध था। एक अंधा संत अकबर के राज्य में, किंगडम में प्रसिद्ध था। फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स, अपनी असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स के लिए। हीलिंग पावर्स क्या होती है, किसी को चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, उसका हीलिंग होता है, वो भरता है, घाव भरता है। घाव भरने को बोलते हैं हीलिंग। और हीलिंग पावर्स ऐसी शक्तियाँ जिससे किसी की बीमारी ठीक हो जाती है। तो उसके पास असाधारण हीलिंग पावर्स थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब यहाँ पे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनको आप याद करेंगे। पहला वर्ड रेनाउंड। रेनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, कोई डॉक्टर रेनाउंड हो सकता है। जैसे माय अंकल इज़ अ रेनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट, वो एक प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो रेनाउंड। नेक्स्ट वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण। असाधारण, अटर मतलब होता है बोलना, ठीक है, अटर मतलब बोलना। तो यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेनाउंड, इसका मतलब क्या हुआ, प्रसिद्ध, ठीक है, रेनाउंड इज प्रसिद्ध। अटर मतलब बोलना। और हमने अभी कौन सा वर्ड देखा, मैं आपको जो जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, और ऑर्डिनरी साधारण, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, अटर हो गया, रेनाउंड हो गया। और इसके बाद अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जो वर्ड आएंगे आपको मैं साथ साथ बताऊँगा। तो आगे लिखा है कि उसके पास एक अंधा जो संत था अकबर के किंगडम में, वो प्रसिद्ध था अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स के लिए। सो इसीलिए गंगाज अंकल, गंगा का अंकल जो था, मामा होगा या चाचा होगा, क्योंकि अंकल मामा को चाचा को दोनों को कहा जाता है, तो गंगा का जो अंकल है, टुक हर, उसको ले गया, टू द ब्लाइंड सेंट, ब्लाइंड सेंट के पास, टू क्योर हर, उसको ठीक करने के लिए। क्योर मतलब होता है ठीक करना, इलाज करना किसी का। और टू कब लगाते हैं, जब हम एग्जैक्ट किसी के पास जाते हैं। तो वो उसका अंकल जो था उसको ले गया एक अंधे संत के पास उसके इलाज के लिए, क्योर के लिए। एज सुन एज दे एंटर्ड द सेंट्स चैम्बर, यानी कि जैसे ही उन्होंने उस संत के चैम्बर में एंटर किया। अब यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ हो रहा है, एज सुन एज, ठीक है, ये कंजंक्शन है, एज सुन एज, जैसे ही। इस पर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दे रखा है कैसे स्ट्रक्चर यूज़ होगा, सेम वे उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। एज सुन एज दे एंटर द सेंट्स चैम्बर, जैसे ही वे संत के चैम्बर में घुसे, उन्होंने उसमें प्रवेश किया। गंगा पॉइंटेड, गंगा ने इशारा किया, पॉइंट मतलब इशारा करना, किसकी तरफ, टू द ब्लाइंड सेंट, ब्लाइंड सेंट की तरफ। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और चीखने लगी। तो गंगा ने उसकी तरफ इशारा किया अंधे संत की तरफ, एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और चीखने लगी। अब क्या चीखा उसने? अंकल ही किल्ड माई पेरेंट्स, कि अंकल उसने मेरे माता पिता की हत्या कर दी। द ब्लाइंड सेंट बिकेम फ्यूरियस, और जो ब्लाइंड सेंट था वो फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस का क्या मतलब होता है? आग बबूला, बहुत क्रोधित हो जाना। इसको भी आप याद कर लें, फ्यूरियस, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, फ्यूरियस। तो वो आग बबूला हो गया। एंड सेड, और कहा, और उसने क्या बोला? व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है। आई कांट सी एनीथिंग, मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता हूँ। एंड दिस किड इज़ अक्यूजिंग मी ऑफ मर्डर, और ये जो किड है ये मेरे ऊपर दोष लगा रही है मर्डर का। तो अक्यूज ऑफ, यहाँ पे याद रखें मैं कई बार बता भी चुका हूँ अपने वीडियोस में, अक्यूज़ के साथ हमेशा ऑफ लगता है, एंड जिस भी चीज़ का आरोप मढ़ा जाता है तो वो लिखते हैं अक्यूज़ ऑफ के बाद। तो वो क्या बोल रहा है, गुस्सा होके, फ्यूरियस होके, कि क्या बेहूदगी है, मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ, और ये किड मेरे ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगा रही है, लड़की है। उसके बाद टेक हर अवे फ्रॉम हेयर, उसको यहाँ से ले जाओ। टेक अवे मतलब होता है ले जाना, सो टेक हर अवे, उसको ले जाओ, फ्रॉम मी मतलब मेरे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड थे, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे अभी कौन कौन से वोकैब वर्ड यूज़ हुए? टू पॉइंट, ठीक है, टू पॉइंट, इशारा करना, और हम टू का यूज़ भी करते हैं इसके साथ, और ऐट का भी यूज़ करते हैं। ऐट मोस्टली आपको मिलेगा, टू पॉइंट फिंगर ऐट, किसी की तरफ इशारा करना। और हमने एक वर्ड अभी देखा, स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चीखना। शाउट मतलब चिल्लाना, शाउट इज चिल्लाना, और चीखना स्क्रीम। और अभी वर्ड आया फ्यूरियस, इसका मतलब क्रोधित, प्रचंड, आग बबूला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो ये आपको आगे समझ, अब आगे पढ़ते हैं। तो ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है, सो जुड़े रहें बिल्कुल एंड तक, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग माई 1 ईयर कोर्स, तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो यूट्यूब पर भी नहीं है और ना ही आएंगी। वहाँ पर हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से मिलेगा मेरे 1 ईयर कोर्स के अंदर। प्राइस 599 है, तो सब कुछ वहाँ पे लिखा भी हुआ है। 1 ईयर का प्राइस 599। तो आगे पढ़ते हैं। तो उसने क्या बोला? टेक हर अवे फ्रॉम मी, मतलब मेरे यहाँ से उसको लेकर जाओ दूर। गंगाज अंकल, जो गंगा का अंकल था, वॉज एम्बेरेस्ड, वो शर्मिंदा हो गया। एंड टुक हर होम, और उसको घर ले गया। अब एम्बेरेस मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना, और ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, इसीलिए गंगाज अंकल वॉज एम्बेरेस्ड, वो एम्बेरेस्ड हो गया, शर्मिंदा हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे वॉज की जगह गॉट भी लगा सकते हैं। गंगाज अंकल गॉट एम्बेरेस्ड, वो एम्बेरेस्ड हो गया, शर्मिंदा हो गया। ठीक है, ये वर्ड भी आप याद कर लें, एम्बेरेस्ड। इसके बाद क्या हुआ? उसको घर ले गया। गंगा केप्ट क्राइंग, गंगा रोती रही। अब ये कीप ऑन वाला हमारा स्ट्रक्चर आ गया, कीप ऑन क्राइंग, रोते रहो, कीप ऑन सिटिंग, बैठे रहो। तो टेंस के अंदर गंगा केप्ट क्राइंग, गंगा रोती रही। तो वीडियो देख लेना, 50 के आसपास वीडियो होगी, 50 से पहले। तो वो रोती रही। एंड इंसिस्टिंग, और इंसिस्ट करती रही। अब इंसिस्ट का क्या मतलब होता है? देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। टू इंसिस्ट मतलब होता है ज़िद करना, बार बार कहना। कोई चीज़ आप बार बार बोलते जा रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, यानी कि आप ज़िद कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंसिस्ट। तो गंगा केप्ट क्राइंग, वो रोती रही, और केप्ट इंसिस्टिंग, और बोलती रही, ज़िद करती रही। तो क्या ज़िद करती रही? दैट कि शी वॉज टेलिंग द ट्रूथ, कि वो सच बोल रही है। अब यहाँ पे वॉज क्यों आया है? बिकॉज ये स्टेटमेंट पास्ट में है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या बोल रही थी, कि शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ, कि वो सच बोल रही है। वो बार बार बोल रही थी कि उसी ने मेरे माता पिता की हत्या करी है, तो हमने इज़ का क्या कर दिया? वॉज, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। तो वो रोती रही और ज़िद करती रही कि वो सच बोल रही है। हर अंकल वॉज परटर्ब्ड, उसके जो अंकल थे वो व्याकुल हो गए। अब परटर्ब का मतलब क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ वर्ब टू परटर्ब। इसका मतलब होता है व्याकुल हो जाना, बड़ा ही बेचैन हो जाना। तो हर अंकल वॉज परटर्ब्ड, वो व्याकुल हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंकल व्याकुल हो गए, एज क्योंकि हिज नीस, उसकी जो भांजी या भतीजी, उसकी जो भतीजी थी हैड सेड समथिंग, उसने कहा था, मतलब उसने कुछ कहा था आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब बहुत टाइम बाद कुछ कहा था, यानी कि वो एकदम चुप हो गई थी जब से उसके माता पिता की हत्या हुई थी, वो कुछ नहीं बोली थी। लेकिन उस संत को देख के क्या हुआ, उसकी जुबान निकली। तो उसके जो अंकल थे, हर अंकल वॉज परटर्ब्ड, वो व्याकुल हो गए, एज क्योंकि हिज नीस, जो उसकी भांजी थी, हैड सेड समथिंग, उसने कुछ कहा था आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत समय के बाद। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हैड क्यों लगाए, जब ये जो अंकल हैं ये परटर्ब्ड हुए, व्याकुल हुए। कब व्याकुल हुए? जब उसकी नीस ने कुछ कहा। तो यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं। जो एक्शन पहले होता है, जब भी आपको ये सेंस दिखानी है कि दो काम हुए, एक पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ, जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में दिखाते हैं। इसीलिए जो उसकी नीस थी, पहले उसने कुछ बोला होगा तभी तो वो व्याकुल हुआ होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमने हैड में ट्रांसलेट किया। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है वीडियो नंबर 304 या 305 में, जो यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे एक वीडियो है 304, 305 नहीं है, उसमें मैंने बताया है, तो वो ज़रूर देख लेना। तो आगे लिखा है फाइनली, अब क्या हुआ, फाइनली ही बिलीव्ड हर स्टोरी, अब जो उसके अंकल थे उसने उसकी स्टोरी पे विश्वास कर लिया अपनी नीस की। ही टुक गंगा टू द रॉयल कोर्ट, और वो अपनी जो गंगा थी उसको ले गया। ही टुक गंगा, वो गंगा को ले गया टू द रॉयल कोर्ट, वो जो शाही कोर्ट था, दरबार था अकबर बीरबल का, वहाँ पे ले गया। एंड और नरेटेड, और उसने नरेट की, मतलब सुनाना, नरेट मतलब होता है सुनाना। नरेटेड द इंसिडेंट, उसने ये घटना सुनाई। टू एम्परर अकबर, जो सम्राट अकबर था उसको सारी घटना सुना दी। तो यहाँ पे आप याद रख लें, नरेट मतलब सुनाना, इंसिडेंट मतलब घटना, परटर्ब्ड मतलब क्या होता है व्याकुल हो जाना, इंसिस्ट मतलब होता है ज़िद करना। तो ये सारे वर्ड यूज़ हुए। और अक्यूज ऑफ, अक्यूज ऑफ इज़ किसी पे दोष मढ़ना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। तो अब क्या हुआ, वो जब कोर्ट में पहुंच गए और अकबर को सारा का सारा किस्सा सुना दिया। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा टू सॉल्व द केस, केस को सॉल्व करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। बीरबल समन्ड द ब्लाइंड सेंट, अब बीरबल ने ब्लाइंड सेंट को बुलावा भेजा। अब सम्मन का मतलब क्या होता है, सम्मन मतलब होता है बुलावा भेजना। जब ऑफिशियली कोर्ट किसी को हाजिर होने के लिए बुलावा भेजती है उसको समन बोलते हैं, ठीक है, बुलावा भेजना ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा। तो बीरबल जो था उसने समन भेजा, बुलावा भेजा ब्लाइंड सेंट को टू द कोर्ट, कोर्ट में आने का। इसके बाद क्या हुआ, एज सुन एज द ब्लाइंड सेंट अराइव्ड, जैसे ही ब्लाइंड सेंट आया, उसका आगमन हुआ। अब एज सुन एज यहाँ पर यूज़ हुआ, एज सुन एज इसका मतलब होता है जैसे ही, अभी एक ऊपर भी आया था एज सुन एज। तो जैसे ही उसका आगमन हुआ, बीरबल टुक आउट हिज स्वॉर्ड, बीरबल ने अपनी तलवार निकाली। टेक आउट होता है निकालना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं कि अपने बैग से कोई बुक निकालो, पेन निकालो, पेंसिल निकालो, तो हम बोलते हैं टेक आउट, टेक आउट नोटबुक फ्रॉम योर बैग। तो वही चीज़ है टेक आउट। तो बीरबल ने अपनी स्वॉर्ड निकाली एंड चार्ज्ड एट हिम, और उसकी तरफ अटैक किया। तो चार्ज एट का यहाँ पर मतलब है अटैक करना, तो उस पर अटैक किया विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी संकेत के, वार्निंग के। When the saint saw, जब संत ने देखा, that कि बीरबल was about to kill him, कि बीरबल उसको मारने वाला है, उसकी हत्या करने वाला है। ध्यान से सुनना, when the saint saw, जब संत ने देखा कि बीरबल was about to kill him, कि वो उसकी हत्या करने वाला है। तो यहाँ पे about to का स्ट्रक्चर यूज़ हो गया। तो क्या हुआ, जब उसने देखा कि उसकी हत्या करने वाला है, he picked a sword, उसने तलवार उठाई। पिक मतलब उठाना, ही पिक्ड अ स्वॉर्ड, उसने तलवार उठाई। कैप्ट रखी हुई, कौन कहाँ पे रखी हुई, नियर बाय, पास में रखी हुई। तो कह रहे हैं उसने स्वॉर्ड उठाई जो पास में रखी हुई थी। एंड गॉट रेडी, और तैयार हो गया टू डिफेंड हिमसेल्फ, खुद के बचाव के लिए। डिफेंड मतलब होता है बचाव करना। तो समझ में आया होगा, जब संत ने देखा उसने कि बिरबल उसको मारने वाला है तो उसने भी तलवार उठा ली जो पास में पड़ी थी और तैयार हो गया खुद को डिफेंड करने के लिए। तो डिफेंड मतलब होता है अपनी रक्षा करना, और इसमें कोई ख़ास इतने वर्ड नहीं थे। एक ये था चार्ज, चार्ज एट मतलब इसका होता है अटैक करना। इसके बाद क्या हुआ, ही डिड नॉट रियलाइज़, उसको एहसास नहीं हुआ दैट कि ही हैड फॉलन इनटू बिरबल्स ट्रैप, कि वो बिरबल के झांसे में आ चुका था, उसके ट्रैप में। ट्रैप मतलब क्या होता है, एक तरह का जाल। तो वो बिरबल के जाल में फंस चुका था। अब यहाँ पे देख लीजिए दो पास्ट के सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं। ही डिड नॉट रियलाइज़, उसको एहसास नहीं हुआ दैट कि ही हैड फॉलन, कि वो फंस चुका था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप ये कह रहे हैं कि दो काम हुए। अब ये सोचे कि उसको रियलाइज़ पहले हुआ या वो जाल में पहले फंसा। पहले वो जाल में फंसा, रियलाइज़ उसको बाद में होगा। तो उसको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो फंस चुका है बिरबल के ट्रैप में। तो इसीलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया पास्ट परफेक्ट। उसके बाद एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई आश्चर्यचकित था। अपॉन सीइंग द सेंट्स रिएक्शन, संत के रिएक्शन को देखकर। हर कोई सरप्राइज्ड हो गया संत के रिएक्शन को देखकर, क्योंकि उसने तलवार उठा ली थी जबकि वो प्रिटेंड कर रहा था एक अंधा होने का। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी ब्लाइंड बट इन रियलिटी ही वॉज नॉट। सो व्हेन एवरीबडी सॉ हिम विद अ स्वॉर्ड इन हैंड्स, so in hand, so everybody got surprised upon seeing the saint's reaction. Then क्या हुआ, अकबर बेलोड। अब बेलोड का क्या मतलब होता है देख लीजिए। तो एम्बेरस तो आपने कर लिया, शर्मिंदा करना, और फॉल into someone's trap, किसी के झांसे में आना। अभी बताया मैंने आपको, ये वर्ड आया अभी बेलो। बेलो मतलब होता है ज़ोर से बोलना। अब जैसे आपने देखा होगा जो राजे महाराजे होते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि यही दोषी है तो वो कैसे बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि ले जाओ इसे। तो वो जो ज़ोर के बोलना होता है गुस्से में, उसको बोलते हैं बेलो करना, राइट। तो बेलो, तो अकबर बेलोड, अकबर ने ज़ोर से कहा। अब क्या कहा, ही इज़ अ फ्रॉडस्टर, वो धोखेबाज है। फ्रॉडस्टर कौन हुआ, धोखेबाज। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉडस्टर, धोखेबाज, बेईमान, ठीक है। तो वो धोखेबाज है। अरेस्ट दिस मर्डरर, इस खूनी को अरेस्ट कर लो। एंड हैंग हिम टुमोरो, और कल फांसी दे दो। हैंग मतलब फांसी देना, और हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड। और एक हैंग का मतलब लटकाना भी होता है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हंग, हंग। हैंग हंग हंग, फांसी देने की हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो उसको बोला कि ये धोखेबाज है, फ्रॉडस्टर है, इस खूनी को पकड़ लो और कल फांसी पे चढ़ा दो। उसके बाद द सोल्जर्स अरेस्टेड द सेंट, जो सैनिक थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया संत को। एंड टुक हिम, और उनको उसको ले गए टू प्रिजन, कैद में। प्रिजन मतलब कैद। अकबर प्रेज्ड गंगा, अकबर ने गंगा की तारीफ करी। फॉर हर करेज, उसके साहस के लिए। एंड गेव हर सेवरल गिफ्ट्स, और उसको कुछ गिफ्ट्स भी दिए। तो ये एक लाइन और रह गई है, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आपके कमेंट्स बहुत ही प्रीशियस हैं, इनवैल्यूएबल हैं, बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा अपनी तरफ से, कि आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक्स दूँ, एडवांस लेवल के टॉपिक्स दूँ, सो दैट आपकी इंग्लिश भी एनहांस हो। सो मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियोज़ को वॉच करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप स्टोरीज़ पे लगा सकते हैं, या कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप होंगे, वहाँ पे शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट होगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, एंड मुझे भी मज़ा आएगा, बिकॉज़ योर कमेंट्स, योर शेयरिंग वर्क एज अ फ्यूल फॉर मी। सो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। ऑलरेडी मेरे कोर्स के अंदर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, मेरे ऐप में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। कई बार मैं वैसे बोल भी चुका हूँ। और अभी इस चैनल पर मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ, स्पीकिंग के टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, स्टोरीज़ लेकर आ रहा हूँ, और आइल्स के एडवांस एस्से लेकर आ रहा हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन जरूर करें। एंड इफ़ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर देन यू कैन ज्वाइन माय 1 year कोर्स। इन दैट आई हैव अ प्राइवेट फेसबुक ग्रुप वेयर यू विल बी गिवन एक्सेस एंड आई गिव टॉपिक्स रेगुलरली। If you can speak on those topics, I give you the full assurance that you can be the next fluent speaker, provided you put in efforts. तो मैं आपको सिर्फ platform दे सकता हूँ, topics दे सकता हूँ practice के लिए, और दूसरे बच्चों की तरह आप भी मेरे Facebook group में practice कर सकते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो 1 year course join करें, बिल्कुल affordable price पर है, in future इसके price बढ़ेंगे, अभी आप इसको join जरूर करें। तो एक line रह गई है, उसके बाद इसको finish करते हैं। तो last line है ही ऑल्सो रिवॉर्डेड। अब उसने रिवॉर्डेड किसको रिवॉर्डेड किया? बीरबल को भी रिवॉर्डेड किया, मतलब उपहार दिया। फॉर सॉल्विंग द केस, केस को सॉल्व करने के लिए सो क्विकली, इतना तेज़ी से। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। इसमें जो वर्ड आए हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कैप्ट मतलब होता है रखा हुआ, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, नियर बाय पास में। और फॉल इनटू ट्रैप मतलब किसी के झांसे में आना। एंड बेलो मतलब होता है ज़ोर से बोलना, जैसे वो बोलते हैं इसको ले जाओ यहाँ से, गुस्से में बोलना, ज़ोर से बोलना। और फ्रॉडस्टर इज़ धोखेबाज, मर्डरर इज़ खूनी, प्रिजन प्रिजन मतलब कैद, और करेज मतलब साहस, क्विकली मतलब जल्दी से, रिवॉर्ड मतलब किसी को उपहार देना, प्रेज मतलब तारीफ़ करना। तो ये सारे वर्ड थे यहाँ पर यूज़ हुए। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप पिछली वीडियोस भी वॉच कर लें। वीडियो नंबर जो 332 है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियो नंबर 332। इसमें मैंने आपको डेली रूटीन बताया हुआ है, पूरा डिटेल में लिख कर दिखाया है कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करके आप अपना डेली रूटीन एक प्रोफेशनल वे से बना सकते हैं। वो चीज़ आपको आनी ज़रूरी है, बिकॉज़ वही आपकी स्पीकिंग में हेल्प करेगी। 323 के अंदर मैंने दिया है पास्ट रूटीन के ऊपर, और 324 वीडियो में दिया है फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर वाली वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। और काफ़ी सारी वीडियोज़ है जो यूट्यूब पे नहीं है, वो मिलेंगे मेरे 1 year कोर्स के अंदर। तो ऐप डाउनलोड कर लो और 1 year कोर्स को अभी ज्वाइन कर लो, बिकॉज आई नो वन थिंग, पैसा फिर आ जाएगा, टाइम एनर्जी वापस नहीं आएंगे। तो जब सीखना ही है तो अच्छे से सीखें, एनर्जी उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो मेरे 1 year कोर्स से आपका पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, आप डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होंगे, हर चीज़ मिलेगी सिस्टमेटिक वे से, राइट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर 342। नेक्स्ट वीडियो में हम IELTS का ऐसे करेंगे एडवांस्ड लेवल का, जो कि YouTube पे नहीं आएगा, वो मेरे ऐप में ऐड होगा। और वोकैबलरी की वीडियोस भी ऐड होती जा रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं मेरे 1 year कोर्स में। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अभी आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं उनको देखें, कॉन्सेप्ट्स को सीखें और अपनी इंग्लिश को एनहांस करें। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।